मेरा एक सपना है धर्मेश दर्शन प्रोडक्शंस का। मैंने आज तक सिर्फ अपनी फिल्म के निर्देशक किया है, ये पहली बार है कि मैं निर्माण भी कर रहा हूँ। सब कुछ है इस फिल्म में, रोमांस है, थ्रिल है, एक्शन है, और जैसा कि हमारा टाइटल है खबरा लव एंड एग्रेशन, तो लव भी है एग्रेशन भी है। मैं नहीं बोलने वाला हूँ डिफरेंट है। आई एम एट द बॉक्स ऑफिस एंड ऑल्सो टू मेक अ गुड फिल्म। द कैरेक्टर्स नेम इज अमन एंड या इज वन ऑफ द फोर कैरेक्टर्स इन द फिल्म एंड It's about these four people and how the story goes around them. Character ka naam Kabir hai. Upper middle class, self-made, very intelligent. Bahut sare layers hain, bahut passion hai. Thoda surprising bhi hai, edgy. My character's name is Naina. She is a very today's girl. Aaj ki ladki hai. मुझे जब धर्मेश जी मेरे पहली बार मिले तो उन्होंने कहा कि नैना मतलब लैला, और मैंने कहा लैला से हाँ ये आज की लैला है। शी इज टुडेज लैला, बहुत ही प्रोग्रेसिव है, शी इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन सी बाय माय लुक शी इज अ वेरी टुडेज गर्ल एंड शी इज अ गो गेटर बेसिकली लाइफ। किसी भी टीवी के बंदे के लिए, खासकर मैंने अपने लिए कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी धर्मेश जी का कि उन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझा कि छोटे पर्दे से हम एक्टर्स को लेकर बड़े पर्दे पर हमें इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पर पेश करें। अगर आप मेरा करियर देखिए तो मैंने हमेशा कोशिश करके अलग चीज़ की है। जब मैंने करिश्मा कपूर को राजा हिंदुस्तानी में लिया था उसका नाम इतना नहीं था। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी तो बिल्कुल रोमांटिक फिल्म ही नहीं करते थे धड़कन के वक्त। तो मैंने कोई ऐसा हर्ट मेंटेलिटी फॉलो नहीं किया, मैंने अपने दिल की बात हमेशा फॉलो की है। और मुझे लगता है एजाज में, मानव में, संगीता घोष और श्वेता सालवे में वही बात है जो मुझे अपने पिछले स्टार्स में लगी, और आज नहीं तो कल वो ज़रूर स्टार्स बने। अगर मुझे अपने आप में उतना कन्विक्शन है, मेरे डायरेक्टर को मुझे मुझ में कन्विक्शन है, अपने स्टोरी में है, अपने टैलेंट में है, तो क्यों पीछे रहेंगे, क्यों रहेंगे? अच्छी पिक्चर बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही टुडेज म्यूजिक है, क्लब म्यूजिक है, नदीम श्रवण जी का म्यूजिक है, और हम सब जानते हैं उन्होंने कितने हिट्स दिए हैं। हिट और फ्लॉप ये सब चीज़ें आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए जब मैं फिल्म मेकरों को प्रिडिक्ट करते हुए देखता हूँ तो मुझे सरप्राइज होता है। आदमी कोशिश कर सकता है, कोशिश कर सकता है और कोशिश कर सकता है।